हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की छुट्टी में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनका आप यूज करके अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपनी रैंक को काफी इजीली पुश कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस, हमारे जो पहले वाले ट्रिक है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वाले ट्रिक का यूज करके आप अपने रैंक को काफी इजीली पुश कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या, आपको एक एम्फीबियन वाली गाड़ी की यहाँ जरूरत पड़ेगी और इस वाली गाड़ी को लेने के बाद आपको यहाँ शिपयार्ड के पास चले जाना है। सो गाइस, अब आपको अपनी गाड़ी को कुछ इस जगह पर ले आना है और यहाँ पर लाने के बाद अब आपको गाड़ी को कुछ इस तरीके से कंटेनर के अंदर लगाना है जैसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो गाइस, अब आपको यहाँ गाड़ी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है और जैसे ही आप यहाँ गाड़ी को कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा लोगे फिर आपको यहाँ गेट आउट वाले बटन पे प्रेस करके बाहर की तरफ आ जाना है। तो जैसे ही आप यहाँ एक दो बार गेट आउट वाले बटन पे प्रेस करोगे तो आप यहाँ ऊपर वाले कंटेनर के अंदर आ जाओगे। सो गाइस, जैसे कि अब आप यहाँ देख सकते हो मैं यहाँ टोटली हाइड हो चुका हूँ और जो कंटेनर है वो पूरी तरीके से बंद है आगे पीछे से और यहाँ पे आपको एनिमी कभी भी स्पॉट नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ आप यहाँ कैम्प करके अपनी रैंक को भी काफी इजिली पुश कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको यहाँ से किसी भी एनिमी को मारना हो तो आप यहाँ पे गन का यूज मत करना नहीं तो उसे यहाँ पे फेक डैमेज आएगा और जिसकी वजह से आप यहाँ से एलिमिनेट हो जाओगे। तो बस आप यहाँ पे ग्रेनेड का यूज कर सकते हो और ग्रेनेड का यूज करके आप अपने एनिमी को यहाँ से काफी इजीली किल कर सकते हो। और गाइस, इस वाले ट्रिक में ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ अंदर की तरफ आ गए तो आप यहाँ से बाहर की तरफ नहीं निकल पाओगे। तो अब आपको यहाँ से करना क्या है, अगर आपको बाहर की तरफ निकलना है तो आप सामने की तरफ भागते हुए चले जाना तो आप यहाँ इजीली बाहर की तरफ भी निकल लाओगे। तो गाइस, आपकी वाली ट्रिक कैसी लगी, अगर आपकी वाली ट्रिक पसंद आई तो कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट वाली ट्रिक है ये भी काफी ज्यादा अमेजिंग है और इस वाली ट्रिक का यूज करके आप अपनी रैंक को काफी इजिली पुश कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको एक गाड़ी की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी और अपने फ्रेंड की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो गाड़ी और अपने फ्रेंड के साथ आपको पीक के पास ब्रोकन हाउस पे आ जाना है और यहाँ पर आने के बाद आपको मेरे को यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। सो गाइस, यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ से गाड़ी से उतर जाना है। गाड़ी से उतरने के बाद आपको सामने पिलर के सामने कुछ इस तरीके से बैठ जाना है जैसे मैं यहाँ पे बैठ रहा हूँ। तो ऐसे बैठने के बाद अब आपको अपने फ्रेंड को बोला कि वो आपको यहाँ गाड़ी से धक्का दे और वो जैसे ही आपको यहाँ हल्का सा धक्का देगा तो आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे हल्का सा धक्का दिया तो मैं यहाँ अंदर की तरफ आ गया हूँ। सो गाइस, ये ऐसी लोकेशन है, यहाँ आप कैम्प करके अपनी रैंक है काफी इजीली पुश कर सकते हैं क्योंकि ये जो पिलर है बिल्कुल बाहर से टोटली कवर्ड है और यहाँ पर आपका एनिमी कभी भी स्पॉट नहीं कर पाएगा। और अगर आपको यहाँ से अपने एनिमी को किल करना हो तो आप यहाँ बस ग्रेनेड का यूज करना, अगर आपने यहाँ से गन से मारने की कोशिश करी अपने एनिमी को तो आपको यहाँ पे फेक डैमेज दिखेगा और आप यहाँ एलिमिनेट हो जाओगे। और अगर आपको यहाँ से बाहर की तरफ निकलना है तो आप यहाँ जॉयस्टिक को हल्का सा आगे की तरफ मूव करना तो आप यहाँ आराम से बाहर की तरफ भी आ जाओगे। सो गाइस, आपके वाली हाइडिंग प्लेस यहाँ कैसी लगी, अगर आपके वाली हाइडिंग प्लेस भी यहाँ पसंद आए तो कमेंट करके आप जरूर से बताना। तो चलते अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस, हमारी जो ये वाली ट्रिक होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वाली ट्रिक का यूज करके आप अपने फ्रेंड्स को तो यहाँ पे सरप्राइज कर ही सकते हो और साथ ही साथ आप अपने एनिमी को भी यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। और इस वाली ट्रिक में आप यूएवी के ड्रोन के ऊपर आराम से चढ़ सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको अपने फ्रेंड को यहाँ पे यूएवी वाले ड्रोन दे देने, उसके बाद आप मेरे को यहाँ बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, अब आपको यहाँ किसी ऊंची से पहाड़ पर आ जाना है, तो जिस जगह पर मैं हूँ आप उसी जगह पर आ सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो आपसे 130 मीटर की दूरी पर चले जाए और जैसे वो 130 मीटर की दूरी पर चले जाएगा फिर आप मेरे को यहाँ ध्यान से फॉलो करना। सो गाइस, आपको अपने फ्रेंड को कुछ इतनी दूरी पर ही रखना है और इतनी दूरी पर रखने के बाद आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो वहाँ से यूएवी वाले ड्रोन को आपकी तरफ छोड़े और वो जैसे यहाँ पे छोड़ेगा तो आपकी तरफ ये ड्रोन आ जाएगा और जैसे आपकी तरफ ये वाला ड्रोन आ जाएगा तो आप इस वाले ड्रोन के ऊपर आराम से क्लाइंब करके इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो मैं काफी आसानी से इस वाले ड्रोन के ऊपर चढ़ चुका हूँ और इस वाले ड्रोन पर चढ़ने का काफी सारे बंदों का सपना होता है कि वो एक बार इस वाले ड्रोन को यहाँ पे छू के देख सके। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो हम काफी आसानी से इस ड्रोन के ऊपर यहाँ पे चढ़ चुके हैं और आप इस वाली चीज का यूज करके अपने फ्रेंड को वीडियो बना के भेज सकते हो
कि आप यहाँ यूएवी वाले ड्रोन पे चढ़ चुके हो। और गाइस ये वाला ट्रिक काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, आपको किसी भी पहाड़ के ऊपर चढ़ जाना है और अपने फ्रेंड को आपको नीचे की तरफ रखना है 130 मीटर की दूरी पर, और जैसे ही आपका फ्रेंड 130 मीटर की दूरी पर रहेगा फिर आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि आपकी तरफ यूएवी वाले ड्रोन को छोड़े, फिर आपकी तरफ यहाँ पर ड्रोन आ जाएगा और आप यहाँ आराम से अपने ड्रोन के ऊपर चढ़ सकते हैं। सो गाइस आपकी वाली ट्रिकियाँ कैसी लगी? अगर आपकी वाली ट्रिकियाँ पसंद आई तो कमेंट करके आप ज़रूर से बताना। तो चलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक की ओर। सो गाइस हमारे जो नेक्स्ट वाले ट्रिक है ये भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, और इस वाले ट्रिक का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे सरप्राइज कर सकते हो। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या, आपको इस जीप को लेके किसी भी लॉन्च पैड के पास आ जाना है और आपको अपने फ्रेंड की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या, अपने फ्रेंड को यहाँ पे बोलना है कि वो लॉन्च पैड को बिल्कुल ऊपर की तरफ कर ले, और वो जैसे यहाँ पे लॉन्च पैड को बिल्कुल ऊपर की तरफ कर लेगा तो आपको बिल्कुल जीप को यहाँ नीचे की तरफ लगा देना है। और जैसे ही आप जीप को नीचे की तरफ लगा लोगे फिर आपको अपने फ्रेंड को बोलना है कि वो लॉन्च पैड को यहाँ बिल्कुल नीचे की तरफ कर दे एकदम से, फिर आपको यहाँ पे एक सरप्राइज देखने को मिलेगा। और गाइस जैसे ही आपका फ्रेंड है नीचे की तरफ कर देगा तो आपको यहाँ से जीप से उतर जाना है। सो गाइस अब आपको यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग चीज़ देखने को मिलेगी, जो आपकी जीप के यहाँ पे टायर होंगे वो कुछ हवा में आ जाएंगे और एक काफ़ी अमेजिंग लगता है दिखने में। तो आप अब यहाँ पे अपने फ्रेंड को बोलना कि वो यहाँ पे जीप को ड्राइव करे, और वो जैसे यहाँ पे जीप को ड्राइव करेगा फिर आपको यहाँ पे आगे सरप्राइज देखने को मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे जीप को ड्राइव करेंगे तो वापस से टायर नॉर्मल हो जाएंगे इस वाली जीप के, इसलिए मैं यहाँ पे अपने फ्रेंड से इस गाड़ी को ड्राइव करवा रहा हूँ। तो जैसे मेरा फ्रेंड यहाँ पे गाड़ी को ड्राइव करेगा तो ये वाला सीन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है दिखने में, कि यहाँ पे जीप के टायर हवा में लटके हुए हैं और यहाँ पर टायर ऐसे लगते हैं कि अभी बाहर की तरफ यहाँ से निकल लाएंगे। और गाइस वाले जो ट्रिक है बस आपको यहाँ पे दिखेगी, जो इस गाड़ी के टायर होंगे बस आपको यहाँ पे दिखेंगे ऊपर की तरफ, और बाकी आपके फ्रेंड या फिर आपके एनिमी को यहाँ पे इस गाड़ी के टायर नॉर्मल दिखेंगे। लेकिन इस वाली चीज़ की आप वीडियो बना के अपने फ्रेंड को भेज सकते हो और वो भी यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा कि इस जीप के यहाँ पर टायर कैसे हो गए। सो गाइस जितनी भी ट्रिक्स मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो सारी ट्रिक्स आपको यहाँ कैसी लगी? अगर आपको सारी ट्रिक्स यहाँ पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड से यहाँ शेयर करना ताकि वो भी इन ट्रिक्स का यूज़ कर सके और अपने रैंक को काफ़ी ईजिली पुश कर सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I will see you next time.